इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। जिया खान आत्महत्या मामले से जुड़ी हुई अभिनेता सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। इस मामले पर आज सुनवाई थी और ऐसे में जिया खान सुसाइड केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, 10 साल बाद ये फैसला आया है। जिया खान केस से जुड़ा हुआ है पूरा मामला है। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस फैसले को सुनाया है और अब बता दें आपको कि पंचोली को बरी कर दिया गया है। जिया खान आत्महत्या मामले में अभिनेता सूरज पंचोली बरी हो गए हैं। 10 साल बाद ये फैसला आया है और कोर्ट ने इस फैसले को सुनाया। सुरेश पंचोली के लिए कहा जा सकता है राहत की खबर है क्योंकि सीबीआई की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया है और बरी कर दिया है। जिया खान आत्महत्या मामले में अभिनेता सूरज पंचोली बरी हो गए हैं, तो बड़ी राहत सूरज पंचोली के लिए कही जा सकती है। जिया खान सुसाइड केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, 10 साल बाद ये फैसला आया और राहत की खबर सूरज पंचोली के लिए, सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। सरबजीत सोनी इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे से जुड़ गए। सरबजीत, ये कितनी बड़ी राहत सूरज पंचोली के लिए कही जा सकती है क्योंकि 10 साल बाद ये पूरा फैसला आया जिसमें बरी कर दिया है सूरज पंचोली को। जिस तरह से 10 साल के बाद फैसला सुनाया गया है, सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली को राहत दी है। हालांकि उन्होंने जो सीबीआई के द्वारा आरोप पर साबित किया गया, जो पेश किया गया था उसमें आत्महत्या का उकसाने का आरोप लगाया गया था, लेकिन कोर्ट में सिद्ध नहीं हुआ जिसने सूरज पंचोली को कोर्ट से राहत मिलती नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सरबजीत तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। आपको बता दें कि सूरज पंचोली को बड़ी राहत मिली है और सीबीआई की कोर्ट से ये राहत मिली है। दरअसल 10 साल से पूरा मामला चलता हुआ आ रहा था और ऐसे में बताया जा रहा है कि जिस तरह से जिया खान ने जुहू स्थित अपार्टमेंट में सुसाइड की थी और एक्ट्रेस की बॉडी उनकी माँ राबिया को 3 जून 2013 की सुबह 10:45 पर मिली थी। एक्ट्रेस का पोस्टमार्टम हुआ था और सूरज पंचोली समेत कई लोगों से इस दौरान पूछताछ भी हुई थी। बाद में राबिया ने बताया था कि जिया डिप्रेशन से जूझ रही थी और 7 जून 2013 को जिया के कमरे से 6 पेज का लेटर भी बरामद हुआ था जिसमें उन्होंने सूरज संग रिलेशनशिप को लेकर कई शॉकिंग खुलासे किए थे। जिया ने लिखा था कि उनका रिलेशनशिप शारीरिक अत्याचार, मेंटल अब्यूज और फिजिकल टॉर्चर से गुजर रहा था। बता दें आपको कि लेटर के बेसिस पर सूरज को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था और एक्टर को सेशन 306 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। 21 जून 2013 को सूरज की जमानत की अर्जी खारिज हो गई थी। 1 जून 2013 को इन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। 50,000 का जुर्माना भी लगा था और एक्टर का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। 2 जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई में कहा था कि सूरज जिया की सुसाइड केस में आरोपी नहीं है। जिया की मां राबिया ने अक्टूबर के महीने में ही हाईकोर्ट में केस को गहराई से देखने और साथ ही साथ छानबीन करने की अपील की थी। कोर्ट ने केस मुंबई स्थित जुहू पुलिस के हाथ से लेकर सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने आज ये फैसला अपना सुनाया है। बता दें कि अब सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है। जबकि सीबीआई के हाथों में आया तो सूरज पंचोली के पिता आदित्य पंचोली ने राबिया खान के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का दावा भी ठोका था। ये उस वक्त की बात है जब 2013-14-15 में ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था। बता दें आपको कि 2015 को सीबीआई ने सूरज पंचोली के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी और जिसमें उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। 2016 में यानी कि 1 अगस्त 2016 को रिपोर्ट्स में ऑफिशियल ने हत्या की संभावना से इनकार किया था और जिया ने आत्महत्या भी की थी। बता दें आपको कि जिया की मां राबिया ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच और छानबीन करने की गुजारिश की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
इसके बाद राबिया ने एक लेटर लिखा था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की गई थी। 2017 अक्टूबर में सूरज पंचोली ने मुकदमे की कार्रवाई में तेजी लाने का अनुरोध करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। तो ये पूरा मामला 2013 से शुरू हुआ, जो अब 23 में सूरज पंचोली को राहत मिली है और आपको बता दें कि उन्हें बरी कर दिया गया है। 2018 में आपको बता दें कि सीबीआई ने आगे की जांच के लिए एक याचिका खारिज कर दी थी। 30 जनवरी 2018 को कोर्ट ने सूरज को जिया खान की सुसाइड के लिए आरोपी बताया और एक्टर ने इन सभी आरोपों से इनकार किया और ये कहा कि वो निर्दोष है। लेकिन 2019 में एक इंटरव्यू में सूरज ने जिया खान सुसाइड केस पर खुलकर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे ऑथर रोड जेल में एक सेल में अंदर रखा गया जिसकी हालत बेहद ही खराब थी और आप वहाँ किसी से भी बात नहीं कर सकते थे। आपको वहाँ ना न्यूज़पेपर पढ़ने की इजाज़त थी, ना आप कुछ देख सकते थे। मेरे लिए उस समय बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा था, लेकिन फिलहाल अभी राहत सूरज पंचोली को मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, बरी हो गए हैं सूरज पंचोली। जिया खान ने जुहू स्थित अपार्टमेंट में सुसाइड की थी और ये आरोप सीधे सीधे सूरज पंचोली पे लगा था, क्योंकि जो सुसाइड नोट बरामद हुआ था जिया खान के घर से, वो सीधे इशारा कर रहा था कि इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है सूरज पंचोली। रजा मुराद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजा जी, कैसे इसे देखते हैं, क्योंकि अब सूरज पंचोली को राहत मिल गई है, बरी हो गए हैं सूरज पंचोली, 10 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया, कैसे देखते हैं आप इसे? फैसला है वही सही फैसला है। उस फैसले से पहले हर कोई जज बन जाता है, हर कोई वकील बन जाता है और हर कोई अपनी अदालत खोल के फैसले सुनाने लगता है। ये गलत बात है। कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला करना जो है वो अदालत का काम है। तो अदालत ने जो भी फैसला किया है वो सबूत और गवाहियों के आधार पर किया है। तो जो भी अदालत का फैसला है हमें उस फैसले को मानना चाहिए सर झुकाकर। यही हमारे मुल्क का कानून कहता है और हमारे मुल्क का कानून ये भी कहता है कि जब तक मुल्जिम पर जुर्म साबित ना हो तब तक वो बेगुनाह है। तो जो भी अब तक उन पर इल्जाम लगाए गए सूरज पंचोली पर, इतने हमने उनके डिबेट देखे, 10 मुंह थे 10 बातें थी, हर आदमी जो है अपनी बात कह रहा था, अपना खुद फैसला सुना रहा था, लेकिन जो सही फैसला है वो अदालत का होता है। तो अदालत ने जो फैसला किया है वही सही फैसला है और हम सबको उस फैसले का इस्तकबाल करना चाहिए और सर झुकाकर हमें उस फैसले को तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल रजा मुराद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में अक्सर इस तरह की जो खबरें हैं वो निकल के सामने आती रहती हैं सुसाइड की, बॉलीवुड में इस तरह की खबरें अक्सर निकल के सामने आती है, क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं? क्योंकि अमूमन जो केसेस होते हैं उसके अंदर ये जो चीजें हैं वो निकल के सामने आती है, जिसे ये कहा जा सकता है कि रिलेशनशिप जो है वो एक इशू अक्सर हम देखते हैं, अमूमन ये चीजें निकल के सामने आती है, और इसके पीछे क्या वजह है कि इस तरह के केसेस जो है टीवी इंडस्ट्रीज में या बॉलीवुड में बढ़ते जा रहे हैं? देखिए ये डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स पर, वो आपको क्या संस्कार देते हैं, क्या आपको सीख देते हैं। जी मैं अपने बच्चों को ये ऑर्डर देता था कि आप कहीं भी जाएं, शाम के 10 बजे आपको घर पहुंचना है, क्योंकि एक हर बात की एक सीमा होनी चाहिए, उस सीमा को लांघना नहीं चाहिए। तो कई बार जब घर से छूट हो जाती है, अगर आप रात रात भर गायब हैं और घर वाले ही जब आपसे कोई सवाल नहीं करते या आपको नहीं टोकते, तो फिर इंसान जो है बिल्कुल बेलगाम अपने आप को आजाद समझता है। तो कुछ दबाव जो है, कुछ संस्कार घर से भी मिलना चाहिए।
कि भाई आपको जो करना है, आपको जहां जाना है आप जाएं, लेकिन आप एक मुकर्रर वक्त पे आप वापस आ जाएं। ये मेरा हमेशा मेरे बच्चों पे जो है ये मेरा उसूल रहा है कि कहीं भी जाओ रात के 10 बजे घर आ जाओ। बच्चे हैं, जवान हैं, पार्टीज करते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन आप मुकर्रर वक्त पर वापस आ जाएं। अब अगर घर वाले ही रोक टोक नहीं करते हैं तो फिर तो उसकी फिर कोई लिमिट ही नहीं होती है जी। तो जैसे अंग्रेजी में कहावत है द चैरिटी बिगिंस विद होम, घर से शुरुआत होती है हर चीज की। शुरू से अगर आप उनको संस्कार दें, बच्चों को आप उन्हें समझाएं कि भाई आपको लिमिट क्रॉस नहीं करती है, नहीं आपको जो ये रेखा है लिमिट की इसको आपको नहीं लांघना है। ये वजह भी होती है। फिर क्या है कि आजकल फैशन हो गया है शराब का, ड्रग्स का, उसका सेवन करके आदमी जो है अपनी सारी हदों को पार कर देता है जी। तो ये बहुत सी बातें हैं जो हमारे जमाने में नहीं होती थी, आज ये जो है बढ़ चढ़ कर हो रही हैं। आज बच्चे खुलेआम, वो लड़के हों या लड़कियां हों, खुलेआम सड़कों पे सिगरेट पीते हैं। हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। अगर बच्चे ऐसी गंदी आदतों में मुब्तिला होते भी थे तो ये सब छुपकर करते थे जी। आज हर चीज बड़े खुलेआम हो गई है, सरेआम हो गई है। तो ये कंट्रोल जो है ये घर से शुरू होता है, घर की शिक्षा होती है। और फिर जब आप सारी आप हदें लांग जाते हैं तो फिर उसका तो कोई मीटर ही नहीं है, कोई बैरोमीटर ही नहीं है। और फिर ऐसी घटनाएं होती हैं, आप ज्यादा ड्रग्स ले लेते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई ड्रग्स जो हैं वो आपको डिप्रेस करती हैं, आप ज्यादा शराब पीने लगते हैं। तो ये जो है ये नेगेटिविटी है ये जिंदगी की, इससे दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, हर किसी की जिंदगी में गम आते हैं, तकलीफें आती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्रग्स लेना शुरू कर दें, आप शराब पीना शुरू कर दें और आप में आत्महत्या करने की जो है वो ललक पैदा हो जाए। ये बात है जी। बहुत शुक्रिया आपका रजा मुराद जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। दरअसल इस बीच जो बड़ी खबर, प्रदीप शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप जी सवाल इस बात को लेकर है जो फिलहाल अभी खबर निकल के सामने आई है, सूरज पंचोली को एक बड़ी राहत मिली है सर, क्योंकि ये 10 साल से केस चलता हुआ आ रहा था, किस आधार पर बरी किया गया है? ये राहत की बात तो जाहिर तौर पर सूरज पंचोली के लिए है, लेकिन कौन के क्या आधार रहा जिस पर बरी कर दिया गया? हमारा जो सिस्टम है, क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस है, वो एविडेंस बेस्ड सिस्टम है जी। तो जितने भी एलिगेशन इनके ऊपर लगे हुए थे वो कोर्ट करना एक्सपेक्टेड था। जो विटनेसेस जू पुलिस स्टेशन में रखे थे उन्हीं विटनेस के वापस स्टेटमेंट ले गए, जैसे आदित्य पंचोली को। एक ही अच्छी बात हुई कि सीबीआई ने एटलीस्ट डिपोजिशन में आदित्य पंचोली का नाम ड्रॉप किया, नहीं तो बेटे के केस के चार्ज में फादर को अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड किया नहीं क्या प्रूव करवाना, तो सीबीआई के लिए भी बहुत एम्बेरस होता था। तो लेट अस सी, अभी वर्डिक्ट हाथ में आएगा। हाँ, मेरे क्लाइंट ने अभी इंस्ट्रक्शन दिया है कि आफ्टर रीडिंग जजमेंट और उसका क्या एनालिसिस है उसके ऊपर फिर आगे हाईकोर्ट की कार्रवाई शुरू कर। तो बड़ी खबर पर लगा जिया खान आत्महत्या मामले से जुड़ा हुआ है पूरा मामला, अभिनेता सूरज पंचोली के लिए राहत की खबर। प्रदीप शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी रखिए अपनी पूरी बात, किस आधार पर बरी किया गया? जी हाँ, तो इस केस से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदीप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, जो आपको बता रहे हैं कि इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है। प्रदीप जी बता दीजिए जल्दी से, कौन से टेक्निकल पॉइंट्स है, किस आधार पर ये दरअसल जमानत दी गई है या फिर यूं कहे कि बरी कर दिया गया?
नेहा जी, इसमें जो सबसे बड़ा लूप होल था वो था कि देखिए, हम लोग क्रिमिनल जुरिसप्रूडेंस में एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इतनी लंबी कोर्ट प्रोसीडिंग चलने के बाद ये हुआ है कि सफिशियंट एविडेंस नहीं मिल पाया स्टेट को कि उनके खिलाफ कोई चार्ज प्रूव कर सके, तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है। बाकी पूरा जब जजमेंट आ जाएगा सामने, उसको पढ़ने के बाद पता लगेगा, लेकिन जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है बिकॉज ऑफ नॉन सफिशियंट जी। लेकिन प्रदीप जी, क्या ये एविडेंस काफी नहीं होते? जिस तरह से लेटर मिला था जिया के घर से, और ये भी कहा गया था कि देखिए उसमें सुरेश सूरज पंचोली का नाम है, तो सूरज पंचोली का नाम उसमें मेंशन था वो लेटर, क्या इस तरह के जो एविडेंस है ये ना काफी रहते हैं ये साबित करने के लिए कि जिस पे आरोप लगाया जा रहा है वो दोषी है या नहीं? आरोप लगाना एक बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाम किसी का होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए, किसी के खिलाफ किसी की वेंजेंस हो सकती है, किसी की भी बुरे किसी के बारे में विचार हो सकते हैं, हो सकता है कि उनको अल्टीमेटली कोर्ट को देखना होता है। तो और जो अभी वहां पर उनका नाम मेंशन मिला, किसने लिखा, किस सर्कमस्टांसेस में लिखा, जिया ने लिखा या नहीं लिखा, बहुत सारे इफेंट बचते कि उनको इसी कारण से, क्योंकि सफिशियंट मटेरियल ऑन रिकॉर्ड नहीं था, एविडेंसेस नहीं थे, इसीलिए इनसफिशियंट एविडेंस था और उसका बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए इनको एक्विटल दे दिया। प्रदीप जी, अब जिया की माँ के पास क्या ऑप्शन रहते हैं? क्या वो इस फैसले को चुनौती दे सकती हैं अदालत में? सर्टेनली, आपका ये अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट प्रोवाइड करता है कि अगर आप किसी ऑर्डर से, कोर्ट के किसी भी ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उसकी अपील, सर्टेनली दो तरह की बात होती है, एक होती है रिवीजन और एक होती है अपील। तो इनके पास अभी दोनों ऑप्शन है, ऑर्डर पढ़ने के बाद उनको लगेगा कि भाई इसमें हमारे पॉइंट स्ट्रॉन्ग थे जो कोर्ट ने कंसिडर नहीं किए, तो सर्टेनली वो अपील में जाएंगी हायर कोर्ट के अंदर, वो उनका राइट है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी सीधे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे। शेखर सुमन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर जी, सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है, क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? लगता है फोन लाइन कट हो गई है, एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। बता दें आपको कि सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया है ये फैसला, और ऐसे में बताया जा रहा है कि 10 साल बाद ये फैसला आया है, सूरज पंचोली बरी कर दिए गए हैं। जिया खान आत्महत्या मामले में अभिनेता सूरज पंचोली को राहत मिली है। जिया खान सुसाइड केस से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। बता दें आपको कि सीधे सीधे आरोप सूरज पंचोली पर लग रहे थे, और सूरज पंचोली पे आरोप लगते हुए ये पूरा मामला दरअसल 2013 से चलता हुआ आ रहा था, और फिर उस ये कहा जा रहा था कि सूरज पंचोली ही कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरते हुए नजर आए, और उसके बाद ये पूरा मामला चलता रहा, कोर्ट इस पर सुनवाई करते रहे, और ऐसे में फिर सीबीआई को ये पूरा मामला दे दिया गया। सीबीआई भी इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी, हालांकि जो एविडेंस मिले थे उसके आधार पर ये कहा जा रहा था कि बेहद गंभीर आरोप सूरज पंचोली पर लगे हैं। ये बात हमने कोर्ट के सामने रखी कि अगर डिसीज्ड को सुसाइडल टेंडेंसीज थे तो इस केस में आरोपी सूरज पंचोली को फॉल्सली इम्प्लिकेट क्यों किया गया, व्हाट इज द रीजन, एंड समवेयर वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि पिछले 10 साल में ऐसा एक भी एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं आया जो डायरेक्टली सूरज पंचोली को इसमें इम्प्लिकेट करे। बट सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह थी कि इन्वेस्टिगेशन ने सूरज पंचोली के अलावा क्या इस केस में कोई और इन्वॉल्व हो सकता है, इसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। इट वॉज अ मैलिफाइड वन टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन, वन साइडेड। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के अलावा कुछ अदर फैक्टर्स हो, अगर इसका इन्वेस्टिगेशन करके रूल आउट होता तो और बात थी, लेकिन रूल आउट भी नहीं किया गया। तो ये बात हमने कोर्ट के सामने रखी। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे जो सीबीआई ने एग्जामिन किए थे, पुलिस ने भी रिकॉर्ड किया था स्टेटमेंट, लेकिन प्रोसिक्यूशन के दौरान उनको सीबीआई ने नहीं एग्जामिन किया। सर, सुसाइड नोट को लेकर के, सुसाइड नोट को लेकर के, हैंडराइटिंग को लेकर के आपकी तरफ से कोई बात रखी गई है? क्योंकि उसके साथ और एक नोटबुक मिला गया था जिसमें एफएसएल की रिपोर्ट में साफ हुई थी कि हैंडराइटिंग एक ही शख्स का है। देखिए, ये सब रिकॉर्ड की बातें, एविडेंस की बातें, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो सब जो कोर्ट के सामने एविडेंस पे है वही बात आपके सामने रख रहा हूँ।
कुछ नोटबुक्स जब्त की गई थी जिस दिन अनफॉर्चुनेटली सुसाइड हुआ 3 जून 2013 को, पुलिस को कुछ नहीं मिला, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, देयर वाज नथिंग ऑन रिकॉर्ड। 7 जून को किसी विटनेस को, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, किसी विटनेस को एक नोट मिली जिस नोट में ना किसी का नाम लिखा है, ना कोई डेट है, ना वो नोट किसी के लिए एड्रेस थी। पुलिस ने, जुहू पुलिस स्टेशन ने एविडेंस में ये रिकॉर्ड पे बोला है कि वो नोट जब हमने मांगी तो हमको नहीं दी गई लेकिन मीडिया को दी गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पहले सर्कुलेट हुई, ये रिकॉर्ड पे एविडेंस पे। अब उस नोट में जो हैंडराइटिंग है, सीबीआई ने क्या किया कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से ओपिनियन मांगा। ओपिनियन मांगते समय वो नोट जिस जी हाँ, तो आप वकील को सुन रहे थे कि आखिर सबूतों के अभाव में दरअसल बरी करा गया है सूरज पंचोली को, और ऐसे में जो एविडेंस पेश किए गए थे उस पर सीबीआई ने जांच की, जांच में ये पाया कि जो एविडेंस है वो काफी नहीं है ये ठहराने के लिए कि इसके लिए सूरज पंचोली दोषी है। हालांकि तमाम आरोप लगे लेकिन वो आरोप सिद्ध नहीं हो सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।